दुआ ज़हूर नूर तौहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन्ने बलिये कल हुज्जत इब्न हसन सलावातों का अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत वलियम व हाफिज़म व क़ायदम मनासिर व दलीलम माइनन हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क़ातो अन मुतमत्तिअहु फीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद व आल मोहम्मद रब्बे सल्लल्लाह मोहम्मद व आल मोहम्मद या कायम आल मोहम्मद अदरकनी या कायम आल मोहम्मद अरसनी फी सबीलिल्लाह या कायम आल मोहम्मद अल्लाजल या कायम आल मोहम्मद अल्लाजल देखे सैयदत निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लल्लाह मोहम्मद व आल मोहम्मद व अजल फरजा नारे तकबीर इंतहाई शुक्रिया काफ़ी रबता सी फरमा हो जिन्होंने यकीन है कायनात दी हर नेमत मोहम्मद वाले मोहम्मद बादशाह दी नालायक दे सदके मिली है और एहसान है मोहम्मद वाले मोहम्मद दा जिन्हें सानू बगैर डिठा अल्लाह मनवाले एक बारी सारे अपनी जुबान का शुक्रिया अदा करने वास्ते जिहड़ी दित्ती मालिक ने जिक्र अली च बोलन वास्ते खालिक दा नामैन चाहो कि वज हुल्ला थोड़े मेरे राजी हो नारे तकबीर शुक्रिया जी नारे रिसालत अपनी जुबान की पाकिजगी इजाफे वास्ते अपनी इज्जत वास्ते उच्चा बोल नारे रिसालत इंतहाई शुक्रिया जी नारे हैदरी ऐलाने गदीर नू याद रखते हैं सरकार दे फरमान नू याद रखते हैं सुन्नत नबवी ते अमल करके हाथ चा के सारे हलाली बोलो हैदरी या अली अमीर अल मोमिनीन बादशाह हालांकि कायनात तमाम मोमिनीन दा मालिक दे जिक्र च जितने कदम तुर के आयो जीनत वजहुल्ला तुहाडे अकीदे दे मुताबिक तुहानू बेहतरीन जगह अता फरमाए वाजिब अल इहतराम इंतहाई वाजिब कदर इमरान शाह जी दा और नबी बिरा माजी दा खुलूस सफ मातम यकीनन कबूल है मालिक नदी इज्जत तौफीकात से इजाफा अता फरमाए वसद रहनो वेड़े आबाद रहनो घर जिथे बादशाह हुसैन का जिक्र होंगे शिफाए करबला की नालायक सदका जो बीमार ने मालिक शिफा अता फरमाए जिन्हें मकरूजन कर्जदार ने बादशाह रजा के खजाने चुना दे अपने कर्जे अदा कर सकते तकसीसी दुआ मंगो इस जालिम दौर च मालिक आली नवलीला पढ़ने किसी कमीने का मोहताज न करे एक मोमिन बीमार है वो शिफाई आप भी अस्तोर एक सिगर तुराब शाह साहब उन्होंने वालदा का ऑपरेशन है उन्होंने वास्ते मालिक इस जिक्र पाक का सदका उन्होंने शिफाए कामना था दुआ हर बंदे वास्ते है नसीब हर बंद का अपना अपना है मालिक हर मोमिन इस साल सारा अल्लाह दे हरम दा सजदा नसीब फरमाए साढ़े मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमाए साड़ी पाक आर्मी नूं कामयाबी ता फरमाए अपनी हुकूमत दे इंतहाई शुक्रगुजार है जिन्होंने इस हालात दे विच सानू बादशाह दे जिक्र दा एक मौका दिता है मालिक जो जो बादशाह की नौकरी च मौजूद है या जिदा जिदी नौकरी लगी मालिक उन्हें तमाम की नौकरी अपनी बारगाह च कबूल करे मालिक असी वारिस रखते हैं वारसा तरजीद है मेरे वालों साढ़े दौर दे हुसैन का जल्द अज जल्द जहूर फरमा अपने मालिक अपने वारिस अपने बादशाह के जहूर वास्ते थोड़े वजूद जितनी ताकत है सलावात मोहब्बत भरी सारे इजाजन किसी की जाएगी थोड़ी ज्यारत होगी वाद वफाई होगी आना वाजिब सी सदात तशी फरमाने मातमी तशी फरमाने मेरे तो ढेर सीनियर मौला दे बंदा खान बैठे ने उन्होंने को इजाजत लैके थोड़े को इजाजत लैके बगैर किसी लम्हे जाए किते वाहिद कायनात च मेरे मौला अली बादशाह का ना है जिदे एक बार ना उच्चा लै लो अपना शजरा दसन की लोड़ नहीं पैंदी मैं हजूर बादशाह का तख लगा सी चलो जियो हुसैनी तुहानू नाल मिला के थोड़ी आवाज़ को लाया मेरे दिल मैं थोड़ी मौजूदगी एक नज़म तुहानू सुनावा बाकी तो खैरात देंगे थोड़ी वजह तो इज्जतदार हाँ तुसी तशरीफ फरमाओ मेहरबानी इस जिक्र से बोलना ताकि थोड़ी भी इज्जत मजीद वधे तू खत्म इमामत है महादी तू सलामत है मुर्शद मातमी की जुत्ती सीधी करने तो खराब देना मैं इस बादशाह की शान क्या बयान करा
तू ख़त्मे इमामत है, महादी तू सलामत है। नफ़्से बिला हमको खुदा, खुद में दिखाने आ जा, आ जा तू ख़त्मे इमामत है। सलाम है जी, इंतहाई शुक्रिया। शेर दे तीन ने, डिपेंड्स ऑन यू, तुसी सुनने कितने जी। तू मेरी उम्मीद में लम यजल एहसास है, तू हदीस फातिमा में कुव्वत अब्बास है, तेरे कदमों की आहट ही दुश्मन पे कयामत है। शजरा तेरा है मुस्तफा, अब तो बताने आ जा, आ जा। सच्ची महाराज बादशाह मेहरबानी। मालिक तुम सलामत रखे, जिंदाबाद रो जी। हैदरी याली याली बुजुर्गों नारा मारिया, मालिक सलामत रखे। अल्लाह जल शनि शाह जी, हर बंदा इमरान शाह जी नहीं बोल सके उच्ची अल्लाह जल, तुसी ना बोलो आउट समा करदा कौन। तू है अब आजान में खैरुल अमल, इसलिए काबे की भी अब सदा है अल्लाह जल। ईसा के मुसल्ले पर तेरा नाम अकामत है, उसकी तरह अपनी विला सबको पढ़ाने आ जा, आ जा तू ख़त्मे इमामत है। ये दो शेर दिन जिनी खराब थी, मैं इतों तक नहीं, शाम में आना तो उत्ते तक राजी हूँ। मुर्शद मैं लभ रहे से नज़र नहीं आ रहे से मैंने ये शेर, मैं खुशी चूंकि मेरे मोस्ट सीनियर ने नाना जान के नाल पढ़ते रहे, तो इन्हों की दुआ लेने वास्ते और तुहाडे बुजुर्गों की हिमातमी खरा पैना सर। बादशाह का पर्दा, बादशाह ने पर्दा फरमाया जहरन, सिर्फ इस दिन च रखना कि मेरे मालिक हैंड कितने, तुहानू शेर का लुत्फ आएगा। जे तुहाडे सामने नसर करा तो फिर मजा नहीं आना जी। तू ख़त्मे इमामत है, परवरिश तेरी खुदा पर्दे में करता रहा, जिस्म तू रखते हुए भी आँख से गायब रहा, अब तेरे खुदा जैसी महदी तेरी आदत है। शक न बढ़ा अब तू मेरा, सजदा बचाने आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। या अली अमीर अल मोमिनीन, बिस्मिल्लाह सही मेहरबान अली वलीला इमाम जमाना बादशाह तुम सामने रखने। चलो मैं आगाज ज्यादा रावल पिंडी पढ़िया जिथे साई इस गल की गवाही दे सन, और यूट्यूब भी इस गल की गवाही दे सी कि मैं अज तक खैबर नहीं पढ़ी।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਖੈਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਬਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੈਬਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਖੈਬਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹਿਮਤ ਉਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂਰ ਤੋਹੀਦ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਹੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ 40 ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 39 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੈਬਰ ਫਤਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੁਸ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਖੈਬਰ 'ਚੋਂ ਇਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਆ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ मेरी बात हुई रब से मुश्किल में हूँ कब से मेरी बात हुई रब से उसने ही कहा ले आज अली से पना या अली ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜਨਾਬ ਸਰਵਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾ ਅਲੀ ਦਿਆਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਆਜ਼ਮ ਮੁਝਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਆਜ਼ਮ ਮੁਝਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਆਜ਼ਮ ਮੁਝਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਆਜ਼ਮ ਮੁਝਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਬਦੂ ਹੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸਜਦੇ ਮੇ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਹੋ ਕਾਬੇ ਮੇ ਮੁਝ ਪੇ ਭੀ ਕਰ ਵਹੀ ਆਇਤੋਂ ਕੇ ਵਲੀ ਅਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਅਬ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਮਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਮਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਸ਼ੀਫ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ੀਫ ਲਏ ਨੇ ਲੋ ਦੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਮ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ
प्रीता की शाह जी, इमरान शाह जी, मुर्शद शानी शाह जी, शेर सोना जी, सरकार जनाब सर्वे के नाम में आज चाहे या अली। मैं तुम्हें शेर सोना जी थोड़े को दुआ लेनी है शेर पे आ या अली। अली खैबर चाहे भिरान भिरान सीने में लाया अल्लाह दे दो नूर जेरे जुदा हुए सन इकट्ठे हुए लोगों को पता नहीं चलिया मोहम्मद कौन ने अली कौन खैरात की पेशानी तो बहुत सहता है एक गल मदा खाना वास्ते इन्होंने को खैरात मिली बड़े को खैरात मिली सबको मिल गई शेर थोड़े वास्ते पढ़े जनाब सरवरे कायनात मुस्कुरा के फिरा दी पेशानी तो बहुत देखे आदमी आ ली ऐ शाहे काबा जीत के खैबर दे अपने खुदा की तरह मुझको अली कर दे। इंतहाई शुक्रिया जरे बोले खैरात मैंने मिली जिन्होंने कुछ ऐ शाहे काबा जीत के खैबर दे अपने खुदा की तरह मुझको अली कर दे। इस जिस्म से पहले तुझ में रहा हूँ मैं तेरी वजह से ही सबसे बड़ा हूँ मैं तेरे होते कैसे डरूं तेरे बिना कैसे लड़ूं तुझसे न मदद मांगूं तो मैं जाऊं कहां या अली। भाई राजी मीसम शाह जी तोड़ू तो लेके बाबा इमरान शाह जी तो लेके मीसम शाह जी तक आखिरी मातमी तक शेर बड़ा प्यारा है जनाब सलमान टुंडे टुंडे आए सरकार द्वारा दी ना लेने ते बोल सकता बादशाह तुसी क्या सी मैं वो देंगा जरा कभी तुसी अल्लाह को नहीं मंगे बादशाह की क्या चाहना है जन्नत चाहना है पहले तो था कि सरकार जरी जन्नत दस सरकार ने मैंने मांगना सर मेरी क्या औकात थोड़ी ज्यारत कर देना मुश्किल प्रसाद की ज्यारत कर देना इस तो अलावा कोई होर समय क्या मंगा अगर इजाजत दियो जिस मैंने अपने अमर नाल अपना आना दिखाया है मैं उदो को पूछा सवाल टुरदे टुरदे आए अली बादशाह के जा पूछी बादशाह को जी महराज से तुम राज मिले उन्होंने से एक तो पर्दा हटा देना इवें आए सवाल किया जिस हालत माँ बख्या चतुर्दा जब सामने पहाड़ है कुछ जाके मेरे तो मेरी याद तो दूरी पूरी पहाड़ हटेगा अंदर जाके देखो मुझसे गौर करना जनाब मुसलमान ने अमल किया अंदर आए 70 मस्जिद 70 मेहराब 70 मेहराबा ते अली मुखलिफ लिबास पा के खुतबा पे दे रहे हैं बाबू जी जितने बंदे अजय बोल नहीं सके जबान एक बार अपने जिन जाना तो सीखो दो साल पहले साबित होंगे और रहमत आलमीन कौन नहीं कहते कि जाओ उस पहाड़ पर जाकर दूर करो वो हटता तो तुम हर जगह अली नजर आते थोड़ी कैफियत क्यों होंगी बस वो कैफियत जेन च रखना और सलमान की कैफियत जेन च रखना शेर कौर नौकर पड़ने लगा सलमान देख के दौड़ते वापस आए रहमत आलमीन के पैर चुमे अली दे सामने बैठ के हाथ जोड़ के मुझे से दुआ दोनों सही देखो हाथ जोड़ के कहीं आ अली 70 मस्जिदों में बैठा हुआ है तू माफ करो लेकिन कुछ तो खुदा है तू 70 मस्जिदों में बैठा हुआ है तू माफ करो लेकिन कुछ तो खुदा है तू मिट्टी के ये बंदे तुम्हें कब समझते हैं कुनबे फरिश्तों के तुम्हें रब समझते हैं सुबह क्या है शाम क्या है जान तेरा नाम क्या है ना जिस्म का साया ना पांव का कोई निशान या अली। इमाम हुसैन बादशाह साहब मैं थोड़ा लम्हा जाहिर नहीं किया एक लंबी फिर इस्तेजा करेंगी और मैं फिर बार बार
ऐलान करेंगे कि शुक्रगुजार हाँ हुकूमत दे कि जिन्होंने सानू बादशाह दी नौकरी का मौका दिता जी इंशाल्लाह मालिक पाक इन्हां नूं सलामत रखे जी। मैं पढ़ लूँगा मैं सिर्फ एक शेर खुतबे का ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए मेरे तो बेहतरीन पढ़ने वाले तशरीफ फरमा ने अमीर उल मोमिनीन 18 रमजान मेंबर तो तशरीफ फरमा वजहुल्ला ने ऐनुल्ला अख के नाल आदम की सारी नस्ल में देखिया बादशाह ने तो पास देख के जरा खुतबा दिता है वो थोड़े को दुआ लेने से पढ़ना चाह रहे हैं इजाजत है। मेहनत करा उस बंदे की जरा बादशाह अली ने किसी जगह पर भी सोच जाए वो बेशक मजलिस ना आया वह आने का फायदा कोई नहीं खैर आता हूँ थोड़ी अमीर मोमिन बादशाह खुतबा दिता मैं काबे में रहकर बशर लग रहा हूँ अभी पूछते हो खुदा क्यों छुपा है मालिक तुहानू सलामत रखे जिंदाबाद रो बोले ओ बंदा जिदे वास्ते ली वाजिब है मैं काबे में रह गए बशर लग रहा हो अभी पूछते हो खुदा क्यों छुपा है मैं काबे में रह गए बशर लग रहा हो अभी पूछते हो खुदा क्यों छुपा है तुम्हारी निगाहें अगर देख पाती तो आदम बताता वो कैसे बना है। शुक्रिया इंतहाई शुक्रिया ए दाद रौनक वाली दाद मेहरबानी साईं मालिक सलामत रखे यार अली 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 मालिक सलामत रखे जिंदाबाद रो इंतहाई शुक्रिया या अली या अली इंतहाई शुक्रिया बाबे नान शाह जी ने मालिक इस इतना फरमाई शे थोड़े से पढ़ने लगा बादशाह ने लोगों के पास देख गल करी आ देने मेरा नूर मेरा वली हो गया है वली हो के पे वो नबी हो गया है जिहड़े हाथ नहीं जा सके अगली लेना इस तो मियो खीने तवज्जो करनी खुतबा अमीरुल मोमिनीन पढ़िया जिहड़ा बंदा रहमतुल आलमीन ते कलमा पढ़ के सरकार दी मनदा है ओ बंदा बोले बाकी दिखा रहे बाजर मारे मेरा नूर मेरा वली हो गया वली हो के फिर वो नबी हो गया है मेरे सजदे से वो जली हो गया जली हो के फिर वो इमाम हुसैन बिस्मिल्लाह का मालिक पाक तुहानू सलामत रखे बिस्मिल्लाह बाबा जी मालिक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती ता फरमाए मालिक इन्हें बेटियां दे नसीब नेक करे जितने मात में बैठे हैं मां कामयाबियां ता फरमाए इन्होंने या अली कहने वाले सलामत करे मेहरबानी बाबू आओ थोड़ा रल के उन्होंने पुरसा दे लीजिए जिन्होंने सके भी निराश से भी किसी रोवा नहीं तहसील साहब पढ़ने वाले हैदर शाह जी की तहसील सिर्फ एक जुमला थोड़ी फेमस समझ आ गए सर इसको को पढ़ के जोड़ में उसमें मैं हर मजलिस अपनी जिंदगी की आखिरी समझ के पढ़ूँ हो सकता है मैं फिर पढ़ी ज्यारत ना कर सकूँ एक जुमला सुनना किसी का कोई अपना टूट जाए फिर उसमें पता लग जाए तकलीफ क्या है कोई ऐसा घर नहीं जिसे मौत ना आई हो बाबा जी लेकिन दस्तूर जमाने में सिर्फ जनाजे टूट जाते हैं पर्दादार रुक जाते हैं पता नहीं शायद थोड़े विलायत पढ़ने वाले की सिर्फ दुआ मिलती तो शायद सैन अता करती जुमला
मेरी जिंदगी दे रोण वास्ते काफ़ी। किसी भैन का एक भिरा मर जाए ना, उस भैन को भिरा की मंजी छुड़ानी बड़ी औखी होती है। मैं कुरबान जावां तुहाडे मालिक पाक बेटियां दे नसीब में, क्योंकि बाबा जी जितने हाय कर गए कईयों दे आंसू आ गए ने, जिन्हें नहीं आए उन्होंने वास्ते सिर्फ एक ही। बाबा जी कोई ऐसा घर नहीं है जिथे मौत ना आई हो, लेकिन दस्तूरे जमाना है जनाजे टुर जाते हैं, पर्दादार रुक जाते हैं, दिल दुखे तो नौकर समझ के माफ़ कर देना। करबला च दस्तूर बदल गया है, करबला च दस्तूर बदल गया है। कितने बंदे जिहड़े हाय कह सकते हैं जनाजे पै रहे ने पर्दादार टुर गए ने। कल मैं घर बैठा सिर्फ ये सोच रहे थे कि इस तो वड्डा की मसा पढ़ना चाहिए, या इस ये सुन के भी जो बंदे नहीं रो सकते फिर उन्होंने समझ नहीं कि पर्दा क्या है। असं इन्हों सीनियर बजुर्गों को सुनने ना, बल्कि कई दसी फरमाने मातमी थोड़ी अखा वजू करिए थोड़े अस जुमला पढ़ने का कि ये वो बीबिया ने जिड़ी कभी प्यू के सामने नहीं बोली। शंशर जी सिर्फ एक बार सोचना जे ना रोना बेशक ना हाए कहना, तुम बैठ गए हो बड़ी मेहरबानी थोड़ी, तुम सुन लिया यही थोड़ी मेहरबानी। मैं नहीं आखंगा जिका सिर करके गुनाह की माफ़ी मंगो, तुम बह गए हो मेरे तो ज़्यादा इज्जतदार हो। एक जुमला पढ़े कितने बंदे ने जे रो रहे ने, कितने जे नहीं रो रहे। जनाजे च हर बंदा तो कूका मार के नहीं रोंदा, जिदा कुछ लगता है रोंदा तो वही है ना। बाबा जी नुकसान हर उस गैरतमंद का होया जिहड़ा जितना वड्डा पर्देदार होवे ना उतना वड्डा गैरतमंद होंदा। मैं एक छोटी जी मिसाल दवां शायद समझ आवे, मैंने अपने छोटे भरावां तरह समझ लें। हैदरी साहब मेरा इंतहाई प्यार, मैं उन्होंने घर जावां यकीनन मैंने अच्छी जगह पर बिठाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, लेकिन एक गल जरूर करेंगे मेरे घर इन्होंने जाने तो पहले कहने कमर एक मिनट रुकी अंदर पर्दा करावा। जानते ये भी नहीं क्योंकि इमाम हुसैन जाकर का मनसब बाप का होंगे, जिहड़ा इमाम हुसैन जाकर भी हो इन्होंने बेटिया ने समझो हरामजादे के मत्थे फर्क होंगे, बेटियां धीं ने। पर फिर भी मैं जान लगा कहंगा बाबा जी एक बार जरा पर्दा करा लेना, एक बार जहन जल जाए तो शायद इस तो अगर पढ़ने की लड़ नहीं पी। मैं कहना जरा जितना व्डा हैदर शाह जी मुर्शद जरा जितना व्डा पर्देदार हो उतना व्डा गैरतमंद होंगे। जे हाए नहीं कह सके एक बार सोचना जिन्हों के घर के पुत्र परद पलते होवन, सोचो धियाँ कितनिया पर्देदार हो। मेरे नाना जान एक बैंड पढ़ते बस सिर्फ उ पढ़ के दुआ एक ही बंद नहीं जात दी कैदन सैन ज़ैनब जे कोमत जंजीर पवा गई बेअल दी डी गए दहमी दी उंदे सारे मार नौकरबान थोड़ी मार होते हैं थोड़ी मार होते ओ दिती शिमर को चादर चुप करके। बाबा जी तुम मातम किया ना तो वेख के जुमला याद आए, शायद मैं ना पढ़ता। मेरे नाना जान आसू किसन बी एस एफ कराची हैदर शाह जी पढ़े असगर शाह जी तरह एक सैयद उठे मातमी उन्हें मूँह तो मातम किया, उन्हें कहा बी एस एफ सच दसाओ क्या सैन ने चादर चुप करके दी गई। उस वेले मैन पढ़िया जडी डामी दाई ढलिया ओ लुट पै गया ले बाकू लाचारी वेख के बीबिया दी आई जुम्बश अरजो समा। मातमी इतने बैठे ने एक बारी सीने ते हाथ मारना होए आंख के शिमर ने हाथ पाया मेरी सैन दी पाक रिदा को कमीना दा होना तेरी चादर शामिया लुट लिए वंज आंख अब्बा ओ जन सहर तुम दिनो समर। जाकर कामरान अब्बास बी एस साहब और जनाब दे सामने कारी कसायद मुरक्कद दर मुफस्सिर उल मसाइब जनाब जाकर कमर अब्बास नकवी साहब 2 जुलाई कोटली मुगलां सालाना मजलिस ए आज़ाद सादात अज़ाम दे ज़ेर एहतमाम
तमाम मोमिन अगे शिरकत दी पुरजोर अपील है।